जैसे इलॉन मस्क ने ट्विटर को खरीदा, हमें बहुत सारे अनसर्टेन चीजें होते हुए देख रहा है। जैसे उन्होंने ट्विटर को खरीदा, वैसे पारस अग्रवाल सहित और भी जो इंपॉर्टेंट ट्विटर्स के मेंबर थे टॉप पोजीशन के, उनको तुरंत हटा दिया। उसके बाद दोस्तों और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज ये आ रहा है ट्विटर से कि अब चाहे आप कोई सेलिब्रिटी हो या आप कोई एक आम जनता हो, आप अपने अकाउंट को ट्विटर का वेरीफाइड अकाउंट बना सकते हैं। मतलब अब आपके अकाउंट में ब्लू टिक हो सकता है। अब आपको लग रहा होगा ऐसा कैसे, मैं तो कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, मेरे अकाउंट में कैसे ब्लू टिक आ जाएगा। इसके लिए दोस्तों इलॉन मस्क ने बताया अराउंड आपको इंडियन करेंसी में 2000 रुपीज लगेगा, जिसके थ्रू आप ब्लू टिक ले सकते हैं। मतलब कोई भी इंडिविजुअल जो अराउंड 2000 रुपीज देगा, अब से उन्हें ब्लू टिक मिल जाएगा। ये दोस्तों बहुत सारे लोगों के लिए खुशखबरी है, जिनका अच्छा खासा फॉलोअर है लेकिन ब्लू टिक नहीं मिल रहा था, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा न्यूज़ है। लेकिन वही जो बहुत सारे जेन्युइन फॉलोअर्स जिनके हैं, उनके लिए अभी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक बात होने वाला। अगर आपको ये लग रहा होगा जिनके पास ऑलरेडी ब्लू टिक है उनको भी पैसा लगेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हाँ, इलॉन मस्क ने बताया जिसके पास ऑलरेडी ब्लू टिक है उन्हें हम 90 दिन का टाइम देते हैं, उतना दिन में उन्हें कंफर्म कर देना है। अगर वो चाहते हैं कि हाँ उनके साथ ब्लू टिक कंटिन्यू हो, तो वो पैसा ट्विटर को दे दे, अदरवाइज उनका ब्लू टिक हट जाएगा। और दोस्तों इससे भी खराब न्यूज ट्विटर से रिलेटेड ये है, इलॉन मस्क ने इसके लिए जो उनके इम्प्लॉय उन्हें डेडलाइन दे दिया 7 नवंबर तक का। मतलब 7 नवंबर तक इम्प्लॉय को ये बात बता देना है कितने वर्ल्ड में लोग हैं जिनके पास ब्लू टिक है। अगर वो इस डेडलाइन को नहीं बता पाते तो हमें देखने को मिलेगा और भी ज्यादा कंपनी से फायरिंग, स्टाफ्स को हटाया जाएगा। आपका क्या विचार है दोस्तों, क्या आप इससे सहमत है? ब्लू टिक वाला जो मुद्दा मैंने आपको बताया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और दोस्तों इस तरह के इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।